हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल वन पैनल पार्ट टू, आरआरसी प्रयागराज एनसीआर। 1906 विद्यार्थी के लिए पैनल है, लेकिन एक भी कैंडिडेट यूआर का शामिल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यूआर की बात हम नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूआर को अभी पैनल में शामिल होना चाहिए था। हालांकि पार्ट पैनल वन में यूआर का कैंडिडेट ज़्यादा दे दिए थे, जिसके कारण से इसमें नहीं हो सकता है। मैं इसके संभावना से इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कितनी वैकेंसी बची है सभी कैंडिडेटों के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए पार्ट पैनल टू आने के बाद। हालांकि यहाँ पैनल चार तक आ चुका है, लेकिन पैनल वन और टू पहले वाले कैंसिल हो गया था, जिसका कोई कोरिजेंडम नहीं लिखा। हाँ, पैनल पार्ट वन में नोटिस लिख दिया था कि पहले वाले पैनल अस्टिंड के पहले का कैंसिल हो गए हैं और अभी का ही पैनल है। तो दोनों का डिटेल देखेंगे। दोनों का डिटेल देखने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, तो देखने में जाएंगे सबसे पहले वेबसाइट पे, तो आप देख ही लिए होंगे। लेकिन पैनल का डिटेल अगर कहें तो मैं पैनल का यहाँ से डिटेल अगर देखूँ एक बार, तो यहाँ पे हमें पैनल की डिटेल में दिखेगा पूरा एक एक करके यहाँ से नीचे से। तो यहाँ पे आप देखिएगा टोटल 1909 कैंडिडेट का पैनल आया है। उससे पहले 2100 कुछ का आया था, उसके बारे में अपने पीडीएफ से दिखा दूंगा। यहाँ से कम्युनिटी वाइज डाटा हमने सर्च कर लिया, सारा निकाल लिया एक एक करके अलग, और निकालने के बाद आपके लिए ये पूरा पैनल को एक निचोड़ लाया हूँ। हालांकि इसके बाद भी पैनल थ्री आएगा, लिखा हुआ है पैनल बाकी लोगों को शीघ्र जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका आएंगे, अगर वो सुटेबल होते हैं तो। लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट अगर कहें कि अगर वो सुटेबल नहीं होते हैं तो वो सेकंड डीवी में जाएगा, उसी के लिए डिटेल है। तो अभी का जो स्टेटस है उसको शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगा, जिसका डिटेल हमारे पास पीडीएफ में है। इसको हमने www.railwaylifelp.com पे हमने ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और समझने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहला पैनल 17/3 को आया था वो, और सीसीए और नॉर्मल कैंडिडेट का ये सारा पैनल एक कैंसिल हो गया था। उसके बाद जो पहला पैनल आया था उसमें 2103 लोगों का नाम था, जो 28/4 का आया था। 333 यूआर थे, 168 आपके एससी थे, 32 एसटी थे, 1330 ओबीसी थे, और 200 लोग ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के इस पैनल में शामिल थे। लेकिन अभी दोबारा इसी में पैनल जब जारी हुआ तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बार इसे मिटा लूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यूआर के जीरो कैंडिडेट है, एक भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जो पैनल ये दिख रहा है 2103, वो मैक्सिमम लग रहा है यूआर का है। अगर कोई इधर उधर का नहीं हुआ तो पहला वाला पैनल यूआर का था, जिसमें अभी कम्युनिटी का पैनल जारी हुआ उसमें 505 एससी कम्युनिटी का, एसटी का 253, 827 ओबीसी का, और 324 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। यानी पहले वाले जो कम्युनिटी के कैंडिडेट थे वो लगभग लगभग यूआर में क्वालिफाई है। 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन चांसेज है मेरिट वाइज जब पैनल है। टोटल 1909 का पैनल आ गया। 1909 का पैनल आने के बाद जो डीबी में गए थे कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसी से नहीं, जो डीबी में कैंडिडेट गए थे उसके हिसाब से 36 लोग यूआर का अभी आगे नहीं बढ़े हैं, 132 एससी का नहीं बढ़े हैं, एसटी का 51 आगे नहीं बढ़े हैं, 258 ओबीसी के कैंडिडेट का कोई स्टेटस नहीं है, और 163 ईडब्ल्यूएस का, यानी टोटल 639 कैंडिडेट का अभी स्टेटस पेंडिंग है, जो या तो थर्ड डीवी से भरेगा या थर्ड पैनल से भरेगा या सेकंड डीवी जो आएगी उसमें भरेगा, जितने कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पूरी स्टेटस है इलाहाबाद का, और बाकी जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बात करूँगा। लेकिन कुल मिला के अब कहें तो ये मेजर पार्ट पैनल आ चुका है, और जिनका जिनका पैनल में शामिल हुआ है नाम उनको बधाई, और साथ में देख ही रहे यहाँ पे। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पैनल में डिवीजन भी आपका अलॉटमेंट हो गया है, पोस्ट भी डिवीजन नहीं पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो जैसे टीएमसी 196 यानी ट्रैक मेंटेनर को 197 कैंडिडेटों का नाम दे दिया है। उसी तरह और देखेंगे सभी का लगभग लगभग प्रयागराज ये डिवीजन में देखिएगा, एक मिनट, टीएमसी वो आपका वो है, सॉरी, प्रयागराज में 875 को मिला है, झांसी डब्लू में वर्कशॉप में 18 लोगों का मिला है, यानी ये भी एक आपका टीएमसी नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैं बड़ा करके देखूँ, हो सकता है देखने में मिस्टेक हो, ये टीएमसी भी एक आपका डिवीजन है जिसमें आपको आपका 197 लोगों का नाम है। उसी तरह सभी में देखेंगे तो सबका जो कौन सा पोस्ट मिला डिवीजन मिला है वो मिल गया सबको एक एक करके। डिवीजन की बात करें तो आगे देखिए, हाँ ऊपर भी डिवीजन ही है, झांसी आपका सीएसकेपी सबका दिया हुआ, जहाँ जहाँ डिवीजन मिला है कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। ब्रिज लाइन 10
ये यानी डिवीजन यानी कह सकते हैं एक सेक्शन ये बना हुआ है ब्रिज लाइन 10, वहाँ पे मिला है लोगों को। उसी तरह आगरा में डिवीजन मिला है तो ये डिवीजन भी अलॉट हो गया है। हाँ, पोस्ट का थोड़ा सा भी इसमें नहीं दिख रहा है, पोस्ट बाकी आ जाएगा। तो उम्मीद है बाकी कैंडिडेटों का भी अच्छा होगा जब आने वाला होगा। और कटअप तो हमने कुछ अनुमान लगाया था कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इसमें कटअप में हमने अभी तक कटअप सेकंड डिवी का देखा है किसका, बिलासपुर का, जहाँ पे यूआर का बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमने यूआर का उसी सबसे पहले ही रखा है, अभी नया नहीं बनाया हूँ। इसमें हमने टोटल अगर देखेंगे तो हमें लगा है कि यूआर का एक नंबर के आसपास, एससी का 0.7, एसटी का एक नंबर तक, ओबीसी का थोड़ा कम और ईडब्ल्यूएस का ये, और ये कम्युनिटी शिफ्टिंग हमने नहीं मान के चला था, तब का ये कटअप माना हुआ था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होगी। हालांकि बिलासपुर में बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है तो अभी कैंडिडेट के हिसाब से यूआर की 36 लोग डीवी पास की डीवी में गए हुए पेंडिंग है, लेकिन वैकेंसी टेबल से देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी मिल जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी टेबल के हिसाब से देखेंगे तो अभी यूआर की 2080 सीटों में से कुछ ही लोगों का पैनल अभी आया है, और कुछ ही यूआर का, कुछ ही लोगों का, बाकी कम्युनिटी से यूआर में क्वालिफाई है उनका तो है, लेकिन बाकी और यूआर कैंडिडेटों का भी जो डीवी क्वालिफाई है यानी पीटी क्वालिफाई हो, उनका स्टेटस अभी बहुत का नहीं हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यूआर की बात नहीं करते, तो हम देखिए इस जहाँ जिसकी डाटा मिलती है उसी के बात करना हमारा काम है। तो यहाँ यूआर का डाटा मिला है तो यूआर के बारे में बात किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।